कानूनी टीम भी मौजूद थी, क्या तय पाया और क्या मामला? मियां साहब इंशाल्लाह जी 21 अक्टूबर की जो अनाउंसमेंट हो चुकी है इंशाल्लाह पार्टी का वही फैसला है और हम जहां तक लीगल मामला आते हैं वो बिल्कुल मियां साहब को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। उनका जो इलेक्शन लड़ने का है 61F वो पार्लियामेंट उसका कानून पास कर चुकी है जिसकी सदर अप्रूवल भी दे चुकी है। मुल्क का कानून है कि 61F के तहत 5 साल की नाअहलियत सिर्फ हो सकती है और ना सिर्फ मियां साहब और जंगीर तरीन साहब और कुछ और लोग बल्कि दर्जनों लोगों को उसका फायदा हुआ है जो कि जिनका काफ़ी लोगों से ताल्लुक बाप पार्टी से है। ये उन्होंने खुद हमें शेयर किया, एक तो वो है। दूसरा जहां तक उनके जो दो मुकदमात हैं उसमें भी इंशाल्लाह एक में मरियम नवाज शरीफ साहब की बरियत हो चुकी है, वो कॉमन केस है और उसमें मियां साहब की भी बरियत सिर्फ एक जाएंगे तो एब्सेंस में उनका फैसला नहीं हो सकता था। तो इंशाल्लाह मियां साहब की वापसी के हवाले से कानूनन और लॉजिस्टिक वाइज सारे अरेंजमेंट पार्टी जो है वो रिव्यू कर रही है, साथ साथ उस पर काम हो रहा है और इंशाल्लाह उनका एक अल्लाह ने चाह तो एक फकीदुल मसाल जो है वो उनको वेलकम दिया जाए। डॉक्टर साहब आप पिछले हफ्ते लंदन में थे, फिर आप पाकिस्तान के वापस आए, कोई खास पैगाम लेकर आए? नहीं, मैं कमिटेड था, मैं इसलिए वापस गया था शाह साहब के जो दुनिया में वो जो IPU है इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उनकी मीटिंग्स थी और बहसीत कायदे ऐवान सेनेट ऑफ पाकिस्तान उस डेलीगेशन को मैंने लीड करना था, पाकिस्तान के डेलीगेशन को उसकी ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे मीटिंग्स थी और उसमें यूरोपियन यूनियन के भी पार्लियामेंट के मेंबर्स थे, उसमें स्कैंडिनेवियन कंट्री बहुत काफ़ी ज़्यादा उसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इवेंट होता है। इसमें मैंने पाकिस्तान के हवाले से जो फ़र्ज थे, जो हमारे नुकसान थे, जो एनवायरनमेंट ट्रेड इश्यूज़ वो सारे जो है वो डिस्कस हुए। बल्कि चूंकि मैं जब कॉमर्स मिनिस्टर था तो उस वक्त मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था, मैं 97-99 की बात कर रहा हूँ, कई ऐसी चीज़ें थी जो मैंने 25 साल पहले अगर रोका था एक चीज़ तो उस वक्त प्रेसिडेंट क्लिंटन और टोनी ब्लेयर सर ने बहुत कोशिश की थी कि 2000 के बाद न्यू मिलेनियम में जो यानी ई कॉमर्स हो उसके ऊपर कोई कस्टम ड्यूटी ना चार्ज हो, तो मैंने उस वक्त उसको ब्लॉक किया था अपने सेल मीटिंग में। वो मुझे बड़ा हैरान भी हुई थी, 25 साल में अभी तक वो फैसला नहीं हो सकेगा, 2024 में उन्होंने किया। ये सब जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं वो बहुत ज्यादा आजकल नून लीग की क्यादत को निशाना बना रहे हैं और उन्होंने काफी तनकीद भी की है, क्या कहना चाहेंगे पीपल्स पार्टी से? मामला मैं समझता हूँ खराब हो रहे हैं, क्या वजह है, उनको क्या तहफात हैं या क्या मामला? वो बिलावल साहब ने कहा था ना फ्लोर पे, अब तो अभी चंद महीने हुए हैं कि लोगों के लिए डार साहब हैं तो मेरे लिए तो डार अंकल हैं, तो वो लोगों के लिए बिलावल साहब हैं, मेरे लिए बिलावल बेटा है, तो अब मैं एक बेटे का क्या जवाब दूँ? देखें ये ग्रेसफुल नहीं होता, आपने इकट्ठे 15 महीने हर फैसला कंसेंसस के साथ हुआ और मैं समझता हूँ कि मियां शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने बड़ी मैग्नैनिमिटी के साथ तमाम पोलिटिकल पार्टीज को साथ लेके चले। तो अगर कोई चीज़ है हमें सिर्फ वो एक इलेक्शन की खातर ये एक सियासत की खातर एक हद से आगे नहीं जाना चाहिए भाई। अच्छा, ये राजा रियाज साहब ने PMLN ज्वाइन आज की है, सब बंदी हो रही है, तो अब क्या देखते हैं अगले आने वाले इलेक्शंस में, क्या और कितने लोग डिफेक्ट हो रहे जा रहे हैं एक से दूसरी पार्टी में और क्या आप देख रहे हैं कि PTI अगले इलेक्शन में हिस्सा लेगी? सर ये इसी से रिलेटेड है कि जो नई पार्टियां बनी है PTI से क्या उनके साथ अलायंस हो सकता है? देखिए ये थोड़ा सा प्री मेच्योर है अलायंस के हवाले से, क्योंकि डिपेंड करता है रिजल्ट क्या आते हैं। जितना पाकिस्तान जिस भंवर में फंस चुका है, और वो मैं ये आपके तवज्जो से एक दफा फिर रिमाइंड करवाऊंगा कि 2013 का पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल पाकिस्तान और 6 से 7 महीने में डिफॉल्ट करने की प्रोजेक्शन वाला पाकिस्तान, जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीती ये डॉक्यूमेंटेड है, वो हमने उस वक्त मई में इलेक्शन जीता था और हम पाकिस्तान को दुनिया की 24वीं इकोनॉमी 20 सतह तक बना चुके थे। सस्ती तरीन चीज़ें थी, 2% फूड इन्फ्लेशन थी, 4% CPI थी आपकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, 6% आपकी ग्रोथ थी, बेस्ट स्टॉक मार्केट आपकी साउथ एशिया की थी और आपका स्टेबल रुपया था, इसके साथ साथ आप दुनिया की 5वीं बेस्ट स्टॉक मार्केट, आपके रिजर्व भी है आज तक हिस्टोरिक थे, उसको 24 बिलियन क्रॉस कर चुके थे डॉलर,
तो अब जो पाकिस्तान में मैंने नाम रखा हुआ है प्रोजेक्ट 2011, वो जो प्रोजेक्ट 2011 जो 2018 में जाके जो मैच्योर हुआ और इलेक्शन को रिग करके आरटीएस सिस्टम को बंद करके एक पार्टी को और एक शख्स को लाया गया, उसने वो जो मईशत दुनिया में 24वीं थी और 20 भी मईशत बनने जा रही थी G20 में शामिल चंद साल बाद, वो 47th इकोनॉमी पांच साल में बन गई। ये है वो मुआशी तबाही जिसके नतीजे में हर पाकिस्तानी आज परेशान है। अब हमने हुकूमत क्यों ज्वाइन की 15 महीने के लिए? दोबारा एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी सियासत की कि पाकिस्तान की रियासत को बचाया और सियासत में बहुत बड़ा डंट लिया। उसकी वजह ये थी कि जितनी तबाही इमरान खान साहब कर चुके थे और उनकी हुकूमत, वो हफ्तों दूर थी पाकिस्तान में एक डिफॉल्ट होना और श्रीलंका बनना। अल्लाह का शुक्र है कि हमने 15 महीने में पाकिस्तान को ना एक पेमेंट पे डिले नहीं होने दी, इंटरनेशनल तमाम पेमेंट्स की, और वो लोग जो कहते थे कि नई डेट्स देते थे पाकिस्तान के अंदर भी और बाहर भी, वो सारे के सारे नाकाम। अच्छा, सर जो आपने बात, अगर इलेक्शन जीत जाती है मुस्लिम लीग, आपके पास कोई प्लान है कि दोबारा वो जो 2018 का आप मिसाल देते हैं वहां पे पाकिस्तान की मैशत ले आएंगे? देखिए, इंशाल्लाह पाकिस्तान अगर कौम अवाम अल्लाह ताला के फजल करम से मुस्लिम लीग नून को मौका देगी तो 2013 की तरह जब पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री था और वो फिर 24वीं मईशत बना, उसी लाइनों के ऊपर पाकिस्तान को दोबारा खड़ा किया जाएगा। पाकिस्तान में महंगाई कम करने की पूरी कोशिश की जाएगी, पाकिस्तान के करेंसी को स्टेबल किया जाएगा, रिजर्व्स को बढ़ाया जाएगा, स्टॉक मार्केट को टेकअप किया जाएगा, वही एजेंडा हमारा इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये जो मुआशी माहरीन है वो ये कहते हैं कि अदलिया के जो मुतनाज़ा फैसले हैं वो पाकिस्तान में मुआशी अदम इस्तेहकाम का बायस बनते हैं, क्या आप भी यही समझते हैं? ये देखें, जहां भी असद साहब, जहां भी होगी ना जी पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आपके अनएक्सपेक्टेड किस्म के फैसले, जैसे पाकिस्तान स्टील मिल का फैसला एक दफा हुआ, फिर तो उसके बाद आपने देखा कि रिकॉर्डिक का फैसला हुआ, मुल्क ने बहुत बड़े नुकसान किए, इंटरनेशनल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस आप पे वो खत्म हो जाता है, वो घबराते हैं, ऊपर से जो मौसी हमारी 24वीं से 47वीं मिशन बन के तबाही हुई, अब लोग हजार दफा सोचते हैं पाकिस्तान जाए कि ना जाए, तो ये हमारी बदकिस्मती है, हमें इसको ठीक करना है पाकिस्तान। थैंक यू सर।